मुरैना में महिला थाने में पदस्थ थाना प्रभारी शिवानी जादौन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील नजर आ रही है। उनके द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अपराधों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिला थाना प्रभारी शिवानी जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक मानवेंद्र सिंह महिला अपराध शाखा द्वारा महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने हेतु इंदौर से मुस्कान चौहान को बुलवाया गया है। आपको बता दें कि मुस्कान चौहान 2015 कॉमनवेल्थ गेम में कराटे में गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इन्हीं के साथ थाना प्रभारी शिवानी जादौन छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके बता रही है। शिवानी जादौन ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कई बार महिलाएं और बच्चियां ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां वह मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाती। इसके लिए महिलाओं और बच्चियों को आत्मरक्षा के तरीके आने चाहिए जिससे वह ऐसी स्थितियों का सामना कर सके। शिवानी जादौन ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया है और आगामी दिनों में 500 छात्र छात्राओं को इस तरह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि महिला अपराधों में कमी आए और महिला और बच्चियाँ खुद को सुरक्षित कर पाए। मेरा नाम मुस्कान चौहान है, मैं इंदौर से हूँ। मैं कराटे में कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2015 और नेशनल में कंटिन्यूसली मेडलिस्ट हूँ 10 times। इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खेलो इंडिया टॉप 5 पोजीशन पे हूँ और मुझे मध्य प्रदेश गौरव रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चेतन चौहान नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मैं उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही हूँ जिससे वो होने वाले अपराधों से बच सके। कुछ टेक्निक्स जैसे कि हम लोगों के पास में पैन होता है, दुपट्टा होता है, इससे कुछ टेक्निक्स उन्हें बताते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स बताई हुई है कि किसी सिचुएशन में अगर वो फंस जाती तो उससे वो कैसे बच पाए। ये प्रशिक्षण मैं महिला थाना प्रभारी शिवानी जादौन मैडम के साथ में दे रही हूँ अलग अलग स्कूल्स में जाके। इसके अलावा इसके पहले जो स्कूल में मैंने प्रशिक्षण दिया उसमें कोतवाली से भी महिला सब इंस्पेक्टर थी, रत्ना मैम और ज्योति मैम। तक करीबन 300 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है और अभी कल इसका लास्ट प्रोग्राम होने वाला है जिसमें 400 से 500 लड़कियाँ भाग लेने वाली हैं। नाम ही और मेरी एकेडमी है और इंदौर के भी काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये चल रहा है। सभी लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 141 स्कूलों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है इंदौर में। ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है प्रशिक्षण आत्मरक्षा का। ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे लड़की अकेले पड़ जाती है, जैसे कि वो बस में जाती है, उनके साथ कहीं छेड़छाड़ होती है या कहीं बाहर होती है, तो लड़कियाँ इसके टेक्निक के यूज़ से बच जाती हैं और उन्हें सीखने में बहुत सहूलियत होती है और काफ़ी अच्छे से कर रही हैं। इसमें महिला संबंधी अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं इनको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय महिला अपराध शाखा, इनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक ट्रेनर के माध्यम से आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग देना था, तो हमारे द्वारा एक ट्रेनर को बुलाया गया है जो कराटे चैंपियन है और जिसे गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं, सिल्वर मेडल भी मिले हैं, तो वो अभी मुरैना में ही है। जिसके और मेरे द्वारा सहयोग से शासकीय स्कूलों एवं प्राइवेट स्कूलों में जाकर आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी क्या है, स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं इसलिए स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं, इसलिए हमने केवल 2 स्कूलों में अभी ट्रेनिंग दिलवाई है और कल 2-3 स्कूलों में बातचीत करके रखी है, तो वहाँ भी जाएंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।